नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। दोस्तों आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं और इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों इसके जो फीचर्स हैं वैसे आपको पता ही होगा, फिर भी दोस्तों मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। दोस्तों इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँगा, तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को ओपन करता हूँ मैं। ये देखिए बॉक्स मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, क्योंकि मैंने जब इसको परचेस किया था तो उन लोगों ने इसको ओपन करके चेक करा के दिया था। दोस्तों इसका की हेड की बात करूँ, ये देखिए तो इसमें दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इसकी MRP सबसे पहले बात करता हूँ मैं, तो इसकी MRP दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। इसकी दोस्तों MRP कम समथिंग 75,000 के आसपास आती है। दोस्तों इसका मेरे पास है ओलिव कलर, जो ग्रीन कलर टाइप से होता है, और ये है मेरे पास 8GB और 128GB वाला वेरियंट। चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी इसके EMI नंबर वगैरह जो मैंने हटा दिए थे। ये दोस्तों डिवाइस, और ये है दोस्तों इसमें सबसे पहले एक और बॉक्स आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें दोस्तों मैं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, ये है इसका सिम इजेक्टर टूल, और इसमें दोस्तों हमें मिलती है एक डाटा केबल जो दोस्तों टाइप सी डाटा केबल है, और कुछ ये दोस्तों पेपर वगैरह मिल जाते हैं। और दोस्तों हमें इसमें कुछ नहीं मिलता, ना ही कोई कवर और ना ही कोई टेम्पर ग्लास, और बाकी दोस्तों इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो खाली है दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेन फ़ोन। तो देखिए ये दोस्तों मेन फ़ोन, जिसके ऊपर मैंने टेम्पर ग्लास भी लगवा लिया है, और पीछे दोस्तों इसके ऊपर मैंने ये मेमोरी जो होती है वो भी लगवा ली है, जिससे इस पर कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। मेमोरी के अंदर दोस्तों कुछ बबल्स आ गए हैं, इसलिए दोस्तों ये यहाँ पे ऐसे दिख रही है। दोस्तों इसमें हमें 3 कैमरे का सेटअप मिलता है पीछे, दोस्तों काफ़ी अच्छे कैमरे हैं। और फ्रंट में हमें सिंगल कैमरा मिलता है, सेल्फी कैमरा जो 32 मेगापिक्सल का है। 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डायनामिक 2XY डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर। और चार्जिंग की बात की जाए तो 4500 mAh की बैटरी है, जो दोस्तों 25 वाट को चार्जर को सपोर्ट करती है। बट हमें चार्जर साथ में नहीं मिलता, तो वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, जो दोस्तों मैंने परचेस किया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी है दोस्तों इसका चार्जर, जो मैंने अलग से ख़रीदा है 1200 रुपये का। दोस्तों आप जब चार्जर खरीदो तो आप चेक करके लें, ओरिजिनल और लोकल दोस्तों काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, तो आपको ओरिजिनल डाटा जो एडाप्टर लेना है दोस्तों, जिससे आपका फ़ोन अच्छे से वर्क कर सके। तो हमारा फ़ोन दोस्तों ओपन हो चुका है, ऑन हो चुका है, ये देखिए। दोस्तों हमारे फ़ोन में तो जो डिस्प्ले दी गई दोस्तों ये है 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको डायनामिक एमोलेड 2X का पैनल मिलता है, जो काफ़ी अच्छा होता है। अब दोस्तों देखिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके कैमरे जो होते हैं, कैमरे इसके काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। ये देखो जब आप इस फोटो को वैसे कैप्चर करोगे, क्लिक करोगे, तो देखिए आप कितनी जूम कर सकते हो। देखिए देखो दोस्तों कैमरे के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और इसके हमें डिस्प्ले में मिलती है विक्टस की प्रोटेक्शन, जो दोस्तों काफ़ी लेटेस्ट है। और इसके बैक में हमें मिलता है दोस्तों प्लास्टिक, बट देखने में आपको लगेगा कि ग्लास है, बट ये प्लास्टिक है। और साइड दोस्तों जो दी गई हैं, जी हैं दोस्तों मेटल की, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको साइड से कॉर्नर होते हैं जो मेटल के दिए गए, प्लास्टिक नहीं है। बट दोस्तों जब ये फ़ोन 50,000-55,000 की रेंज में आया था, तब जो दोस्तों थोड़ा महंगा था, बट अभी ये जिस रेंज में मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ अपनी ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है 29,800 रुपये का। दोस्तों 29,800 में काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि अभी आप इसे फ्लिपकार्ट वगैरह पर देखते हो तो ये आपको मिलेगा समथिंग 34,000 या 35,000 रुपये का, बट अगर आप डिस्काउंट भी लगाते हो फिर भी आपको जो दोस्तों 32,000 का समथिंग पड़ेगा। बट मैंने इसको अपने मार्केट से ऑफलाइन बाज़ार से ख़रीदा है सिर्फ 29,800 रुपये का, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा डील है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अंदर आपको Exynos का 2100G का प्रोसेसर मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे इतनी गेमिंग वगैरह करनी नहीं होती है, तो मेरा काम आसानी से चल जाएगा इसमें। जो लोग हैवी गेमर हैं उनके लिए ये फ़ोन नहीं है, बट मुझे गेमिंग का शौक़ नहीं है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरा दोस्तों मुझे चाहिए होता है एक हैंडी फ़ोन जो छोटा हो,
तो ये काफ़ी छोटा भी है और फ़ोनों के मुकाबले, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया और थोड़ा पतला भी है। तो दोस्तों अगर आपको ये ख़रीदना है ऑनलाइन तो इसका ख़रीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें आपको 8 GB मिलती है, 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी। कैमरा दोस्तों इसको काफ़ी अच्छा है, जब आप इसको यूज करोगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि इसका कैमरा कैसा है। कैमरे के मामले में दोस्तों सैमसंग के फ़ोन काफ़ी अच्छे होते हैं, और डिस्प्ले के मामले में आप जानते ही हो सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है सभी फ़ोनों से अटके होती है। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।